आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी वीडियो एक मंथ की लास्ट मंथ में क्या होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको जैसे पता है नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है नेट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मंथ में अराउंड 19 और 20 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो आखिरकार इस लास्ट महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस तरीके से तैयारी अपनी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है बहुत ही सिद्ध से लिखा है और टू द पॉइंट लिखा है। मैं बाकी सब की तरह वो बातें नहीं करूँगा कि हम बोलेंगे कुछ और जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो आपसे कुछ अटेम्प्ट ही नहीं होगा। मैं कोशिश ये करूँगा आपको ये समझाने की, बताने की, जो ऑलमोस्ट जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा दूर भागता है वो भी स्कोर कैसे कर सकता है और जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद है वो किस तरीके से अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं। दोनों के लिए ही हम बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आना शुरू होगा। एक सबसे पहले मैंने लिखा है स्कोरिंग टॉपिक्स और एक तरफ मैंने लिखा है ऑर्गेनिक लवर। अब इसका मतलब क्या है, देखो स्कोरिंग टॉपिक जो है उस पर सबको फोकस करना है, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पसंद करते हो या नहीं करते हो। जो बच्चा बोलता है नहीं हम तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से ही कर लेंगे, तो आपने पिछले एग्जाम्स देखे होंगे किस तरीके से उन दोनों में भी क्वेश्चन नहीं ले पा रहे थे, तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको थोड़ी सी आती होगी तो वहां पर उसका नेट बहुत अच्छे नंबर से निकल गया होगा। तो मैं वही बता रहा हूं, जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पसंद नहीं करता या फिर जो एफर्ट्स इतने ज्यादा नहीं लगा सकता उनके लिए ये टॉपिक्स हैं। आपको सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतरीन आनी चाहिए, जहां पर आपके क्वेश्चंस एसिडिक और बेसिक केमिस्ट्रीज आते हैं, एसिड बेस के नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करा रखा है, मैंने बेसिक जीओसी भी पढ़ा रखी है, एडवांस जीओसी पढ़ा रखी है। अगर आपने उतने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आने वाला है। आप सारे क्वेश्चन जो भी इसमें दो तीन क्वेश्चन आएंगे वो कवर कर लोगे। फिर एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक किस तरीके से निकालते हैं। कुछ आपको थोड़े स्पेशल सिस्टम्स पते होने चाहिए, ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आके ऑलमोस्ट मैं यूं कह सकता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स आके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीछे कदम ले लेते हैं, क्योंकि उनको स्टीरियोकेमिस्ट्री ही नहीं आता। और वो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि शायद से आपको एक कनेक्टिविटी में टॉपिक नहीं मिल रहे हों, या फिर आपको क्वेश्चंस सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हों उसके सॉल्यूशंस वगैरह, या फिर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा हो। बहुत सारे डिफरेंट वजह हो सकते हैं, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जितना इंटरेस्टिंग है उससे ज़्यादा टिपिकल भी बनता जाता है। ठीक है, फिर पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, आप तीन टॉपिक के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शंस इन सब पे नहीं जाओगे, आप सीधे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पे जाओगे। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और बेहतरीन पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के बाद हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स। अगर आप ये छह टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से करके जा रहे हो, जहां पर आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से लगा के जा रहे हो, तो आप ये मानो आप यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर कर लोगे कि यदि आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपका यहां से मेंटेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीछे हटते हैं या फिर जिनका फिजिकल इनऑर्गेनिक भी थोड़ा सा लेवल है इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, और साथ में इन सभी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर करके जाना। इतनी बात समझ में आ चुकी है? हाँ, अगर आपको लगता है कि हमने ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, सब कुछ आ रखा है, तो होता क्या है कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री जो होता है और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो होता है, इसमें क्या होता है जनरली रिएजेंट्स के साथ जोड़ देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट्स टॉपिक को भी देख लेना। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलमोस्ट नेट गेट लेवल का पूरा रिएजेंट्स सीरीज अराउंड 36 लेक्चर या 35 लेक्चर्स का पढ़ा रखा है, आप कंप्लीट एक बार फिर से रिवाइज कर लेना जल्दी से, क्योंकि रिएजेंट कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पेरिसाइक्लिक के टाइम पे भी यूज हो जाते हैं, जो कि हेट्रोसाइक्लिक के टाइम पे भी यूज हो जाएंगे अगर क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी स्टीरियो में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं रिएजेंट्स जोड़कर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कभी जोड़ दिया जाता है। तो आप यूं कह सकते हो कि जो आपकी हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है नेट गेट की, वह एक एप्लीकेशन पार्ट होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का। स्टीरियो केमिस्ट्री कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री एक एप्लीकेशन पार्ट बहुत सारे चैप्टर्स के लिए वर्क करता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ये हमारा पहला पहलू है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं, जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पसंद करता है, जिसने बहुत अच्छा समय बिता रखा है, जिसके ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हैं या फिर कवर कर रहे हो, जिसको ऑर्गेनिक पर पहले से कमांड है, जिसको मैकेनिज्म का आइडिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस तरीके से अगर बेसिक एलिमिनेशन क्या होता है,
क्या बेंजाइन कार्बिनाइट्रीन क्या होता है, नेम रिएक्शंस का थोड़ा सा आइडिया है आपको, रिएजेंट्स में आपने पूरा सीरीज पढ़ रखा है, तो आप लोग जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड है तो इन चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा काम करना है इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। पहला स्टेप इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस, उसके बाद आप इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड बातें पढ़ोगे। क्लेटन और कैरोथर, आप यू मान लो क्लेटन और कैरोथर से आपके पास सवाल यहां पर एज इट इज, फिर सुन लो, एज इट इज उठ के आ जाता है एग्जाम में, और फिर आप देखोगे कि अरे भैया ये तो क्लेटन में दिया हुआ है, अरे भैया ये तो कैरेथर में दिया हुआ है, सब जगह दिया होता है। तो जो बच्चा ऑर्डिक से दूर भाग रहा था उसका यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, इतनी ही चीजों को बहुत अच्छा कर लो, बाकी आप फिजिकल इनऑर्गेनिक पर बहुत अच्छा ध्यान दो। जो बच्चा ऑर्डिक पर और अच्छा करना चाहता है, इन टॉपिक्स को भी कवर करना है, जिसमें आपको मेनली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बेंजाइन कार्बिन नाइट्रिन पर फोकस करना है, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी मैंने सीरीज पढ़ा रखी है जहां पर आपके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, फिर नेम रिएक्शंस अराउंड मैंने 18-20 करवाई रखी हैं और आपको पढ़नी पड़ेंगी, और रिएजेंट्स के लेक्चर्स ऑलमोस्ट है, ये तो मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है भैया, रिएजेंट्स तो मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी मैंने कंप्लीट कर रखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी कंप्लीट कर सका है। नेम रिएक्शंस की बात अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, क्या कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें हैं। अब इसमें मैंने आपको केवल पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे स्पेशल ध्यान देना है। अब जनरली क्या होता है, इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन नहीं होते, बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, हमेशा करना कि आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ पर जितने भी आपको ये चैप्टर दिख रहे हैं इन सभी चैप्टर को इकट्ठा करके तब जाके आपका क्वेश्चन बनता है। कभी रिएजेंट के साथ नेम रिएक्शन आ जाएगा, कभी रिएजेंट के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगा, कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ नेम रिएक्शन आ जाएगा, कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगा, मतलब इन सब चैप्टर्स को आपस में जोड़ते हैं एक दो के साथ, और फिर वहां से एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन फ्रेम होता है, फिर उसमें रीजेंट्स की कनेक्टिविटी बहुत अलग होती है, जहां पर बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो इन चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सच में पसंद करते हैं वही इसको पढ़ना, जो पसंद नहीं करते हैं कृपया करके अपना दिल बहलाने के लिए अपना समय खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बहुत है, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी से देखना स्टार्ट करोगे, तब आप धीमे धीमे कमांड बना पाओगे। लेकिन आप लास्ट मंथ में सोच रहे हो कि हम ये टॉपिक को रिवाइज कर लें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्वेश्चंस ना करें, तो आपको चीजें नहीं आने वाली हैं। आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने ही हैं, उससे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, आइडिया लगेगा एग्जाम्स का किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और क्लेटन और कैरेथर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हमने इस टॉपिक्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रखे हैं, हमें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। और मैं यहां पर एक और रिकमेंड करूंगा कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में आप कैरेथर के भी सवाल कर लेना, बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐप पर करवाए रखे हैं, ऑलमोस्ट आपको पढ़ा भी रहा हूं, तो ऑलमोस्ट जो बच्चा ऐप पर जुड़ा है वो जानता है किस तरीके से अपना पूरा चल रहा है। ये सारी बातें हो चुकी हैं जो कि मुझे आपको अच्छे से समझाना था। अब क्या है, यहां पर अगर बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जैसे मैंने एरो लगा के बोला है, इन टॉपिक्स में बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ नहीं हो सकता। यहां तो अपन ने स्टीरियोकेमिस्ट्री जो पढ़नी थी वो पढ़ ली, लेकिन मैंने बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री एक एप्लीकेशन पार्ट की तरह काम करता है इन सभी टॉपिक्स में, मतलब इन सभी टॉपिक्स में बिना बुलाए मेहमान आ जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, और आपसे बोलेगा बताइए स्टीरियो प्रोडक्ट क्या होगी, बताइए रिएजेंट्स में स्टीरियो, आप खुद देखो जब मैंने रिएजेंट्स पढ़ाया तो कितना स्टीरियो मैंने वहां पर यूज किया है, कितनी सारी वहां पर बातें बताई हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको स्टीरियोकेमिस्ट्री में अभी भी दिक्कतें हैं और अभी तक आप फेस कर रहे हो, तो आपको मैं एक बेहतरीन मौका दे रहा हूं, जो मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने में मेहनत की है, सही सुन रहे हो, 2 महीने मेहनत की है मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पर अपने ऐप पर, और बढ़िया से एक जो सिस्टमैटिक हो सकता ना कनेक्टिविटी वाला गेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, वो मैंने वहां पर किया है। मतलब जिस बच्चे को पहले नहीं भी आती थी ना, वो भी बकायदा मैसेज करके बोलता है सर थैंक यू इतना अच्छा सिखाने के लिए। तो मैं एक जो उनके रिव्यू हैं उनको आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं है, मैं आपको नहीं बोलता कि अपन अच्छे हैं वो है, आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर रखा है, आपको पता अपना लेवल क्या है, कैसा है, सारी चीजें हैं। तो मौका ये है कि अपना ये 1 मंथ स्पेशल कोर्स आज ऐप पर लॉन्च हो जाएगा, जहां पर आपके पास 70+ लेक्चर्स, फिर सुनिएगा 70+ लेक्चर्स होंगे, सबकी ड्यूरेशन अराउंड 35-40 मिनट्स है, ठीक है। तो अच्छा खासा कंटेंट मैंने दिया है बेसिक से हर तक, तो 70+ लेक्चर्स में आप ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन भी देखोगे तो आपका 20 से 25 दिन में आपका इश्यू बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, जहां पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, फिर इससे अच्छा क्या जाएगी, है ना। और इसका जो प्राइस है, जो मिनिमम मैं रख सकता था, ₹299, फिर सुनिएगा ₹299 इसका मिनिमम प्राइस है जो मैं आप लोगों के लिए रख सकता था, क्लियर है इतना।
और लास्ट में वैलिडिटी आपके पास कितनी है, 20 नवंबर, एक महीने का वन मंथ स्पेशल कोर्स है हिस्टोकेमिस्ट्री का, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं। आप में से ऑलमोस्ट लोग बहुत सारे ऐप पर अगर नहीं भी जुड़े हो और ज्वाइन करने की सोचते हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप पहले क्या करो, हिस्टोकेमिस्ट्री का वन मंथ स्पेशल कोर्स ले लो। अगर आपको लगे सच में अपन को वो लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट मिल रहा है जो बाकी जगह नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर आगे प्रोसीड करो, आगे फिर कुछ और कोर्सेज होंगे उनको ज्वाइन करने की सोचना। मैं तो साफ साफ खुले बोल रहा हूँ आपको, अच्छे से बढ़िया से सीखने के लिए करो। देखो मैं यहाँ पर जो हिस्टोकेमिस्ट्री का ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करो ऐसा हिस्टोकेमिस्ट्री एक महीने में सीखने की कोशिश करो कि जो आपको पहले डिफिकल्टीज आती थी वो सारी डिफिकल्टीज आपकी कंप्लीट खत्म हो जाएं, क्योंकि जैसे ही हिस्टोकेमिस्ट्री खत्म होगा वैसे ही इन चारों ही टॉपिक्स पे आपके चार चांद लग जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, चार चांद लग जाएंगे, और चार चांद लगने का मतलब है आपकी जो थोड़ी बहुत गलतियां होती थी स्टूडियो में ही वो सारी गलतियां खत्म, पहली बात। और दूसरी बात, जो बच्चा जिनको अर्निंग नहीं भी पसंद वो स्टूडियो अगर कोर्स परचेस करता है तो उससे फायदा क्या होगा, एटलीस्ट आपके ये जो क्वेश्चंस यहां से तीन से चार क्वेश्चंस चार चार नंबर में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस सही होने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फिक्स क्वेश्चंस है जहां से आप स्कोर कर ही सकते हो, या फ्यूचर में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो मैं तो यही कहूंगा हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का जो रास्ता है उसके घर जाने का वो स्टीरियो केमिस्ट्री की सीढ़ियां हैं। और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की सीढ़ियों को अगर आप पार कर ले रहे हो तो आप ये मान लो आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और नजदीक जाते जा रहे हो। जितना आप बढ़िया से इन सीढ़ियों को जानोगे कि कैसे हैं क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री की, उतना ही अच्छा आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी जानोगे। ये तो अपना पहला कोर्स। दूसरा, मैंने नेम रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट की थी, किसी कारणवश नहीं करवा पाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ दूसरा जो अपना कोर्स होगा एक छोटा सा, एक तो नेम रिएक्शंस और साथ में जितने भी ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जनरली क्या है आपको यूट्यूब पे सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, अराउंड मतलब फैले फैले मिलेंगे, मैं आपको क्या करूँगा एक सिस्टमेटिक जो भी अभी तक नेट और गेट में जितने भी एग्जाम में ये कंप्लीट जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आए हैं उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको सेकंड कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। फिर सुनिएगा, नेम रिएक्शंस जो भी आपके नेट के लिए स्पेशल नेम रिएक्शंस होंगी वो प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि अराउंड आप ये मान लो 200 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप ये मान लो ये 200 प्लस क्वेश्चंस नहीं है, ये 200 प्लस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन चारों चैप्टरों को या फिर दो या तीन चैप्टरों को मिलाकर मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैटर करता है आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को टिक करना एबीसीडी बोलना बहुत आसान है, लेकिन आखिरकार कैसे अप्रोच करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे सीखेंगे ये चीज भी अपने आप में एक डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बस एक अनाउंसमेंट आप समझ सकते हो या फिर एक स्ट्रेटेजी वीडियो जो आपको मानना है, इस बात पर आप गौर करिएगा वह बच्चा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूर भागता है, इन टॉपिक पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको समय ही अगर बर्बाद करना है तो इन टॉपिक्स पर करो, क्योंकि इन पर अगर आप वर्क बहुत अच्छा करोगे तो आप इसमें स्कोर बहुत अच्छा कर लोगे, तो आप इवन अपने नेट स्कोर के और पास में पहुंच जाओगे। तो इतनी बातें मुझे बतानी थी, बस इसी तरीके से जुड़ रही है आप सभी लोग, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।